Hello friends, this is Pooja and you are watching Pooja Talks on YouTube. Welcome again to your own channel. Today we will talk about the West Bengal Police Constable exam date 2019. Because PMT and PT exam dates are announced now. So this is a good news for those candidates who fill this job. Fill this post. Actually, West Bengal police has advertised a notification for the recruitment of excise constable, including lady excise constables vacancies. So those candidates who are interested in the vacancy details and completed all the eligibility criteria can read the notification and apply online, offline, and download their admit card. To bhi aaye nahi, exam date aa gayi hai, wo aap kar sakte hain. So now let's start the video by the vacancy details. देखिए जो पोस्ट नेम है आपका एक्साइज कांस्टेबल है जहाँ पर लेडीज़ एक्साइज कांस्टेबल्स भी इंक्लूड हैं और जो इसकी टोटल पोस्ट थी वो 3000 हैं जो आपको फिल की हुई हैं जिसमें आप सेलेक्ट हो सकते हैं. क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर आपने माध्यमिक बंगाली या फिर नेपाली एज अ लैंग्वेज पेपर पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपने माध्यमिक के ऊपर टेंथ भी करी है, प्लस टू भी की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. पर जो इसका बेसिक सिर्फ आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, यू नो, वो चीज़ है यहाँ पर. उस तरह की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की गई है. एज लिमिट की अगर बात करें तो एज ऑन 1 जनवरी 2019 तक का जो एज क्राइटेरिया दिया गया था वो मिनिमम एज आपके 18 इयर्स है एंड मैक्सिमम एज 27 इयर्स, और एज रिलैक्सेशन भी है एज एडमिसिबल एज पर द रूल्स. एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो जो भी इसकी सारी कैटेगरीज आती हैं जो वेस्ट बंगाल के अंडर हैं उनको 220 रुपीज़ एज एप्लीकेशन फ़ी, प्लस आपके ₹200 होंगे एप्लीकेशन फ़ी के, और ₹20 जो हैं आपके जो चार्जेस लगेंगे प्रोसेसिंग फ़ी, मतलब 220 जो आपको टोटल अमाउंट पे करना है और जिसमें एप्लीकेशन और दूसरी प्लस ₹20 आपके प्रोसेसिंग फ़ी है. अगर आप SC ST हैं वेस्ट बंगाल से रिलेटेड तो आपको सिर्फ अपना प्रोसेसिंग फ़ी पे करनी है, ओनली ₹20. पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है. ऑनलाइन करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आपने करनी है. एंड पेमेंट मोड जो ऑफलाइन है उसमें ई वॉलेट या भारत के हुआ या फिर UPI ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं. इसके अलावा आप नोटिफिकेशन में सारी डिटेल आप रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स की. देखिए क्योंकि इसकी अभी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुई है तो ये जो ऊपर की जो आपको सारी डिटेल बताई है मैंने उसमें आपकी प्लस पोस्ट का नेम हो गया, आपने जो क्वालिफिकेशन के बेस पर फिल किया था वो सारी डिटेल एक बार रिपीट हुई है. क्यों रिपीट हुई है? ताकि आपको पता चल जाए कि आपने ये फॉर्म फिल किया था पर्टिकुलर और उसका एडमिट कार्ड या फिर उसकी एग्जाम डेट आई है. तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी ऑनलाइन या ऑफलाइन करने की दोनों ही प्रोसेस थी क्योंकि इसकी वो 11 मार्च थी और 10 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट थी. बाकी इसका जो भी एप्लीकेशन वगैरह फिल करना था वो 12 तक था. डिपॉजिट करना एप्लीकेशन और प्रीलिम्स जो एग्जाम है आपका इसका वो है 24 नवंबर 2019. और आप इसका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं वो आप 11/11 को कर सकते हैं 2019. तो आपका 24 को एग्जाम है और 11/11 को आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. तब से और अब तक तो ओपन ही रहता है ये. नेक्स्ट देख लीजिए आपकी जो आंसर शीट जो OMR में होगी वो इस तरह से होगी. इसका हालांकि पूरा स्क्रीनशॉट आया नहीं है स्क्रीन पर, इसका हाफ ही आप आया है, लेकिन वो इस तरह से होगी. आपको जो ये राउंड बने हुए हैं दूसरी साइड में सर्कल में इनको फिल करना होता है. इसके साथ जो 1, 2, 3 जितने भी आपके क्वेश्चन 100 तक होते हैं और जो 4 में से आपका ऑप्शन सही है आप उसको डार्क कर देंगे ब्लू पेन के साथ. बाकी आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपकी जो शीट नंबर होता है वो आपने फिल करना होता है. एवरीथिंग आपको यहाँ पे फिल करना होता है. ये 3-4 ये OMR शीट फिर आपको सबमिट करनी होती है. इस तरह की होती है आपकी OMR शीट. उसके बाद देख लीजिए आपका एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे, क्या स्क्रीन आपको मिलेगी देख लीजिए. अगर आपने ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी अप्लाई किया है प्रीलिमिनरी रिटन टेस्ट के लिए तो आपको अपना यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डिजिट में डालना होगा और देन डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड होगा जो कि इस फॉर्मेट में होगा 0401 यानी लाइक दैट. एंड देन आप सबमिट करेंगे तो आपको आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, स्क्रीन पर शो हो जाएगा, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं.
इसके अलावा हम बात करेंगे कि आप एग्ज़ाम में आपको क्या ले जाना मना है, बैंड क्या है, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ इनेबल्ड हेयरिंग डिवाइस, कोई भी पोर्टेबल स्कैनर, मतलब कोई भी आप इलेक्ट्रिकल कुछ लेकर ही नहीं जा सकते। आप सिर्फ एक पेन लेकर जा सकते हो, वो भी विदाउट इलेक्ट्रिक, या कोई टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए उसमें भी। डिजिटल रिस्ट वॉचेज हो गया, कैलकुलेटर्स भी नहीं लेके जाने देते हैं, पेन और एनी अदर मटीरियल फॉर चीटिंग, वही हो गया ना, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग टेकन इनटू द वेन्यू एंड द स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज फाउंड इन पोजेशन एट द टाइम ऑफ द एंट्री और यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टेस्ट। अगर आप पकड़े जाते हैं तो वो तो वैसे आपका सारा कैंसल हो जाएगा, जो भी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं लेकर जाएंगे, आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और आपने जो पेन यूज़ करना है वो आपके पास होना चाहिए, या कोई प्रूफ होना चाहिए आपका, जो आधार कार्ड वगैरह है। तो कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर विदाउट रिकोर्स टू रिप्रेजेंटेशन, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन विल बी इश्यूड बाय WBRU इन द टेस्ट हॉल्स। चलो जी, इन्होंने पेन का भी बोल दिया है कि आप पेन भी नहीं लेकर आएंगे, पेन भी आपको वहीं से प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो एवरीथिंग इज बैंड हेयर, आपको कुछ नहीं लेके जाना है आपके एडमिट का। जो आपका अटेंडेंस रोल नंबर होगा वो कुछ इस तरह का होगा, देख लीजिए, आपकी साइड में आपकी जो फोटोज और सिग्नेचर आपको करनी है वो आपका ऐसे जो भी आपकी रो में होंगे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स, और इस तरह से आपको रोल नंबर फ्रॉम ऐसे फिल करना है। आपका जो क्वेश्चन ब्लॉक नंबर होगा फर्स्ट सेकंड, इस तरह का आपका एक अटेंडेंस जो है रोल, इस तरह की शीट आपको मिलेगी। तो आप पहले से ही अगर एक बार चेक कर लेंगे तो आपको नोन हो, आप पहले से नोन होंगे कि कैसा वहाँ पे जाके आपको एक एनवायरमेंट मिलेगा, आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। सो विश यू गुड लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट सेशन। थैंक्स।